फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओजस फिटनेस। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का वीडियो फीमेल्स के लिए काफी ज्यादा वर्कफुल होने वाला है, बिकॉज आज के वीडियो में बात कर लेने वाली हूँ फ्रेंड्स उन फीमेल्स के बारे में जिनका समय से पहले फ्रेंड्स ब्रेस्ट लूज हो जाता है, साथ में ब्रेस्ट में सैगिंगनेस आ जाती है, ब्रेस्ट में अनइवन स्किन टोन हो जाता है, एक ब्रेस्ट का साइज कुछ होता है, दूसरी का कुछ होता है, और साथ में फ्रेंड्स उन मदर्स के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होने वाला है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। आफ्टर दैट ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम सभी को फेस करना पड़ता है कि उनकी ब्रेस्ट में लूजनेस आ जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हमारे जो मसल्स होते हैं वो उतना स्ट्रांगली वर्क नहीं करते हैं, उनमें लूजनेस आ जाता है, क्योंकि बच्चा जब ब्रेस्ट फीड करता है, उसको सकिंग कर रहा है, तो डेफिनेटली उससे जो हमारा ब्रेस्ट है वो लूज हो जाता है, लटक जाता है समय से पहले, जिसके कारण फ्रेंड्स हमारे ब्रेस्ट का साइज अनइवन होने के चांसेस होते हैं और हमारी बॉडी स्ट्रक्चर से हमारा ब्रेस्ट साइज अलग दिखता है। तो इसीलिए आज का वीडियो काफी ज्यादा वर्कफुल होने वाला है फ्रेंड्स। मैंने इसमें ऐसी होम रेमेडी शेयर की है जो कि मेरे खुद के ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड है। बीइंग एज अ मदर, बीइंग एज अ फीमेल, आपको परफेक्ट दिखना तो बनता है। सो आज का जो वीडियो है वो इसीलिए है फ्रेंड्स, ताकि आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाए। फ्रेंड्स मैंने YouTube पर काफी ज्यादा वीडियोस देखे हैं, मैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, बट मेरे चैनल पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी मिसगाइडिंग वीडियोस नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग बताते हैं कि आप अपनी ब्रेस्ट पर वैसलीन लगाएं तो आपके ब्रेस्ट 32 से 36 हो जाएंगे, ब्रेस्ट पर एलोवेरा लगाएं तो रातों रात बढ़ जाएंगे। इस तरह का मिसगाइडिंग कंटेंट मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो मेंस फीमेल्स और बच्चों से रिलेटेड जितना भी वीडियोस हैं वो सभी ऑथेंटिक हैं, मेरे ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, मेरे ब्यूटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वर्क करती हूँ। सो उनके साथ कंसर्न करके, लाइव चैट जाकर, डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करके, आफ्टर दैट मैं आप तक कोई वीडियोज लेकर आती हूँ फ्रेंड्स। तो इसलिए आप जो है मेरे वीडियोज में बने रहिए टिल द एंड, और देखिए उस होम रेमेडी को किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है जो आपके लिए काफी ज्यादा वर्कफुल होने वाले हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट स्टार्टिंग द जो होम रेमेडी शेयर किया है मेरे, अगर आप 15 डेज यूज करते हैं इसको रेगुलर बेसिस पर, तो आपको विजिबल रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट के लिए तो सर्जिकल प्रोसेस, मेडिकल एंड देन थर्ड आता है नेचुरल प्रोसेस। तीन प्रोसेस ऐसे हैं जिनके थ्रू आप अपने ब्रेस्ट को एनलार्जमेंट कर सकते हैं। सर्जिकल प्रोसेस जो होता है फ्रेंड्स वो इंस्टेंट रिजल्ट दे देगा, जिसमें आपकी ब्रेस्ट को मेजर करके उसके अकॉर्डिंग आपको सिलिकॉन फिल करने के लिए बोला जाता है कि कौन सा साइज का आपने सिलिकॉन फिल कराना है। आफ्टर दैट आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद में फ्रेंड्स वो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे देगा, क्योंकि सेलिब्रिटीज वगैरह कराते हैं आजकल, तो मतलब आम लोग भी कराते हैं इसको जिनको सुटेबल होता है। बट इससे फ्रेंड्स कॉस्टली होने के साथ साथ ये हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस रहते हैं इन फ्यूचर। सेकेंड ट्रीटमेंट आता है फ्रेंड्स मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें पिल्स, वैक्सीनेशन और कुछ मशीन्स के थ्रू आपके ब्रेस्ट के साइज को मेजर करके उसके टेक्सचर को इम्प्रूव किया जाता है। ये भी कॉस्टली होने के साथ साथ फ्रेंड्स आपके हेल्थ के लिए काफ़ी कॉम्प्रोमाइजेबल है इन फ्यूचर, क्योंकि हम इंस्टेंट तो करा लेते हैं, रिजल्ट तो हमें मिल जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर हमारी हेल्थ के साथ में निगेटिव क्या कॉम्प्रोमाइज हमें फेस करने पड़ सकते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट नंबर थर्ड पर आता है नेचुरल प्रोसीजर। नेचुरल प्रोसीजर जो कि मैंने अपनी वीडियो में होम रेमेडी के थ्रू शेयर किया है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कोई भी प्रोसीजर हो, चाहे वो नेचुरल हो अननेचुरल हो, अगर हम एक्सेस में उसको करते हैं, टाइम पीरियड से ज़्यादा करते हैं, तो वो हमारे स्किन को नुकसान देगा, फायदा नहीं देगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए आप मेरे वीडियो में टिल द एंड बने रहिए फ्रेंड्स, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि इस वीडियो में इस होम रेमेडी को मैंने कैसे बनाया है, इसको कैसे यूज करना है, कितने टाइम के लिए यूज करना है। इन सब का सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप जो है मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑयल को बनाने के लिए एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल लिया है, जो कि मस्ट इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स। ऑलिव ऑयल हमारे ब्रेस्ट को लिफ्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है, फर्म बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट फ्रेंड्स मैंने मेथी दाना लिया है, जो कि सभी किचन में अवेलेबल होगा। थर्ड इंग्रेडिएंट्स एलम फिटकरी का पाउडर लिया है, इसको कैसे यूज़ करना है मैं अपनी वीडियो में आगे आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट फ्रेंड्स मैंने विटामिन ई के दो कैप्सूल लिए हैं, अब इनको कैसे यूज़ करना है इस ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले मेथी दाना को हमने ऑयल में डाल दिया है फ्रेंड्स, जैसे हम कोई भी ऑयल में कुक करते हैं
इसी तरीके से हमने मेथी को इसमें ऐड करने के बाद फ्राई करना है ताकि मेथी अच्छी तरीके से भुन जाए इसमें। जब फ्रेंड्स ये बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर की हो जाएगी तब तक आपको इसे स्टीयर करना है। मिनिमम 2 या 3 मिनट ही लगेंगे इसको डार्क ब्राउन होने में ताकि ये अच्छे से इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑयल के अंदर मर्ज हो जाएँ, इसीलिए तब तक हमें इसको भूनना है। इसके बाद फ्रेंड्स जब ये अच्छे से भुन जाएँ तो हमने इसमें जो एलम लिया था उसको ऐड कर देना है। लेकिन ये ध्यान रखना है जो फिटकरी का पाउडर है वो गैस बंद कर देंगे आपने तब ऐड करना है, चलते हुए ऑयल में ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स। इसके बाद छान लेना है इस ऑयल को एंड नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट मैंने विटामिन ई के कैप्सूल बताए थे उसको ऐड कर देना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब ये ऑयल आपका बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स अब इस ऑयल से आपने अपनी ब्रिस्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज मॉर्निंग में नहाने के बाद और रात में सोने से पहले मसाज करके सोना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स मेल अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपनी फीमेल फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें मेरा वीडियो ताकि उनको हेल्प मिल सके मेरे इस वीडियो के थ्रू। मेरे चैनल ओजस फिटनेस पर फ्रेंड्स इसी तरह की ब्यूटी, हेल्थ, बेबी, स्किन केयर से रेलिवेंट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और मैं मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।